चिटफंड कंपनी के इस फर्जीवाड़े में कई लोग अपनी मेहनत की कमाई तक लगा चुके हैं। इस कंपनी ने नौकरी पेशा लोगों के साथ ही मजदूरी करने वालों को भी फर्जीवाड़े का शिकार बनाया और करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। कैसे इस कंपनी के कर्ता धर्ताओं ने भोले भाले लोगों को फंसाकर की धोखाधड़ी, जरा उसे भी जान लेते हैं। नौकरी पेशा लोगों के साथ भी हुई धोखाधड़ी, मजदूरी करने वाले भी बने चिटफंड कंपनी का शिकार। लोगों की मेहनत की कमाई लेकर रफू चक्कर हुई कंपनी। पुलिस ने कंपनी के दफ्तर को किया सील। Q7 टेक्नोलॉजी इंटरनेट पर लुभावने ऑफर का लालच देकर लोगों को आकर्षित कर रही थी। इतना ही नहीं, कंपनी के एजेंट भी लोगों को इस फर्जीवाड़े में फंसाने के लिए जाल बुनते थे। इस कंपनी का हेड ऑफिस अहमदाबाद में बताया जा रहा था, लेकिन लोगों ने जब वहां संपर्क किया तो उन्हें वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। कंपनी सबसे पहले प्राइवेट जॉब करने वाले युवाओं को टारगेट करती थी। कंपनी अब तक लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ चुकी है। पैसे ऑनलाइन वर्क करता था, ऑफिस में जाके पैसा लेते थे ये। और हालांकि इसके पहले तो पेन जाता था, लेकिन अचानक ये गायब हो गया पैसे। और ये सब लड़के ही परेशान हो रही, यहाँ पे ऑफिस के एम्प्लॉई है सब एक दूसरे से मिलके, मतलब यहाँ पे जब मैसेज आता है सबको हर महीने पैसे मिलने का, और 4 तारीख का दिन, मतलब तारीख आई थी 4 तारीख के पैसे लेने के लिए गए, तो वहाँ पे ताला लगा हुआ मिला, तब जाके सब एक दूसरे से संपर्क हुआ और यहाँ पे थाने पे हम लोग सब। हैरान करने वाली बात तो ये है कि मजदूरी कर अपना घर चला रहे कई लोग भी इस पूरे फर्जीवाड़े में फंस गए हैं और अपनी मेहनत का लाखों रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अभी 8 दिन पहले मैंने पैसे लगाए उसमें, बोल रहे थे कि 10,000 लगाते 3 मिलते बनाने के, और नेट का काम था तो मैं हलवाई काम करता, तो मैंने दे दिया 80,000 रुपये। अब वो 80 के 80,000 भग गए, अभी पुलिस भी नहीं सुन रही, उधर जाते हैं तो पुलिस कहते यहाँ से भग जाओ, तुमने हमको लिख के दिया क्या? अब या तो सुबह पैसे नहीं मिले तो हम सवेरे मारवा मिल की शमशान में मिलेंगे, तो हमने ही कोई से कर्जे उठा के पैसे दिए। वो कहा है कि मोहल्ले वाले ने और भी डाले थे, तो उस लालच में मैं भी डाल दी कि मेरे पास कमाई आ जाएगी, करके थोड़ी सी आमदनी आ जाएगी। 10,000 देंगे, 10,000 डालोगे तो उसके 3,000 मिलेंगे, तो इसी के कारण सर मैंने डाल दी। अब मेरा तो कोई भी सहारा नहीं, वो पैसे तो वो भी दूसरे से कर्ज लेकर डाली, मैं तो रसोई के काम पे जाती हूँ सर। पुलिस ने शिकायत के बाद इस कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया और दस्तावेजों के आधार पर कंपनी के कर्ता धर्ताओं की खोजबीन शुरू कर दी। Q7 टेक्नोलॉजी कंपनी एक थी जो विगत 1 साल से यहाँ पे कार्यरत है, उनके द्वारा लालच में रह के कि आप 10,000 जमा करोगे तो हर महीने आपको 3,000 रुपये वो मिलेगा ऑनलाइन। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए थे अभी थाने में, अभी पता चला कि कंपनी यहाँ से भाग चुकी है, हम इसकी जांच खोजबीन कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई कंपनियां इस तरह का जाल बिछाकर 9-2-11 हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग इन चिटफंड के जाल में फंसकर अपना पैसा गंवा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।